हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी एंड मेरा नाम है दिनेश चौहान। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एफकेट इंडियन एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप रिटन एग्जाम्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाई द सीएपीएफ 2021 रिजल्ट इज़ नॉट कमिंग। एंड एज यू ऑल नो द एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड बाई यूपीएससी ऑन 8th ऑफ द अक्टूबर एंड इट्स ऑलमोस्ट 65 डेज और आपका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। बात करेंगे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है, किन वजहों से लेट हुआ है और लास्ट और बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के डेटा के बारे में कि रिज़ल्ट पहले भी लेट हुआ है, लेट अगर रिज़ल्ट यूपीएससी करता है तो किन कारणों की वजह से यूपीएससी रिज़ल्ट लेट करता है और बात करेंगे बहुत ही एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट डेट की जिस पर 99% आपका रिज़ल्ट उसी डेट को आ जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और रिज़ल्ट भी यूपीएससी ही देता है। देखिए, बात करें लास्ट टाइम की, 2020 में जो सीएपीएफ एग्ज़ाम हुआ था वो आया था 45 डेज़ के आसपास उसका रिज़ल्ट। 2019 वाले का रिज़ल्ट आ गया था ऑलमोस्ट 2 महीने में, 60 दिन, ठीक है। लेकिन 2017 में टोटल मिला के, सॉरी 2018 में 5 महीने लगे थे, 2017 में 4 महीने के आसपास लगे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी पहली बार रिजल्ट लेट कर रहा है, ऐसा होता रहता है। लेकिन हुआ क्यों था 2018 में और 2017 में? क्योंकि उस बार सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी का सबसे मेन एग्ज़ाम है, उसका मेंस चल रहा था। मेंस इस चक्कर में रिजल्ट को डिले कर दिया था। भाई, एक बार में एक काम ही करना होता है, ठीक है जी। अभी जैसा कि आपको बताएं कि अभी भी कई सारे एग्ज़ाम्स का यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जैसे 24 तारीख को सिविल सर्विस 2020 का मेंस का रिज़ल्ट आया था 24th of September को। उसके बाद अभी लास्ट जो फ्राइडे गया है उसको रिज़ल्ट आया है ईपीएफओ, और आपको पता होना चाहिए ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम वो सीएपीएफ के बाद में हुआ है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आ गया पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ईपीएफओ के एग्ज़ाम में केवल एक ही स्टेज होती है, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जिसको चेक करना ओएमआर सीट को ओएमआर वाली मशीन चेक करती है, जो आसानी से चेक हो जाती है। लेकिन आपको पता है सीएपीएफ का जो पेपर टू है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको चेक करने में टाइम लगता है, उसको प्रोफेसर से चेक करते हैं, ठीक है। इस चक्कर में एक तो रिजल्ट लेट हो रहा है। तो बात करें भाई, कब तक रिजल्ट आ सकता है? देखिए, यूपीएससी अपना रिजल्ट जब भी डिक्लेयर करता है उस दिन, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि उस दिन फ्राइडे होता है। फ्राइडे के और भी कई सारे रीज़न हैं कि फ्राइडे को एक तो क्लोजिंग टाइम होता है वीक का, भाई सैटरडे और संडे की छुट्टी है यूपीएससी की। यूपीएससी के ज़्यादातर जो सिविल वाली जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें सैटरडे संडे छुट्टी है, फ्राइडे को सारे रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देते हैं घर जाने से पहले। फ्राइडे को रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। 24th September सीएससी का रिजल्ट आया, फ्राइडे था, आ गया रिजल्ट। उसके 2 वीक के बाद अभी ईपीएफओ का रिजल्ट जो आया है वो भी कहाँ है? फ्राइडे को। नेक्स्ट फ्राइडे कब पड़ रहा है? नेक्स्ट फ्राइडे पड़ रहा है 15th of October। तो 15th of October का रिजल्ट आ सकता है क्या? देखिए, चांसेस कम है, क्योंकि उस दिन एक तो दशहरे की छुट्टी है, उस दिन दशहरा है तो छुट्टी में होगा पूरा स्टाफ ज़्यादातर लोग। तो 15 से जस्ट एक दिन पहले, मतलब 14th of October, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट 14th of October को आ जाएगा। और अगर आपका रिज़ल्ट अगर 14th of October को नहीं आ पाता है, इनकेस नहीं आता है, देखिए वैसे तो 14th of October को 99% चांसेज है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि 15 की छुट्टी है, फ्राइडे की आना तो उसी दिन चाहिए था, लेकिन 14 को वीक क्लोज होगा तो मतलब जो उनके काम का है तो 14 को रिजल्ट आएगा। लेकिन नहीं आता है 14 को, अगर नहीं आए तो 100% चांसेज है कि 22 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आएगा। और देखिए, ये सब जानकारी बहुत ही बार देख के निकाली गई है कि यूपीएससी ज़्यादातर रिजल्ट फ्राइडे को ही आते हैं। ये और दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, सिविल सर्विस 2020 का अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था वो फ्राइडे को, ईपीएफओ का रिजल्ट जो कल परसों आया वो फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को भाई छुट्टी है, तो 14 को आपका तो रिजल्ट आ सकता है थर्सडे को, या आपका रिजल्ट 22 सितंबर को आ जाएगा। और हाँ, अभी वीडियो छोड़ के मत जाइए, अभी आपको मैं बता दूं कि आपको जैसे बताया मैंने आपसे वादा किया, नेक्स्ट सीएपीएफ से पहले आपको पूरी जीएस जो है वो इसी चैनल पे करवा दी जाएगी। क्वालिटी के 3 लेक्चर आ भी चुके हैं, आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी है लेक्चर को एक बार, और ऐसे ही करके उस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा मैं। और गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और आप सबको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आपका सपोर्ट ये जो हमें मोटिवेट करता है आपके लेक्चर तैयार करने के लिए, बहुत सारी बुक्स में देख के इंपॉर्टेंट डेटा को आपको बताने के लिए। लेक्चर आपको पता है, लेक्चर की सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, 4th lecture जल्द आने वाला है, नेक्स्ट सीएपीएफ से पहले संपूर्ण जीएस आपको कराई जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत
एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस डीसी।